आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, देश के साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बरसात से परेशान, भोपाल के कुछ इलाकों में भरा पानी। छत्तीसगढ़ में बारिश, तिल्दा में मकान गिरे, बस्तर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व बाघ दिवस पर बाघ गणना के आंकड़े किए जारी, मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट। छेड़छाड़ के आरोपी कृषि विकास अधिकारी ने पिता पुत्र को मारी गोली, खुद की मौत। और एमपी के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, मिलावट खोरों और जमाखोरों को छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश के साथ पिछले तीन दिनों से मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के कारण भोपाल, शाजापुर और खंडवा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। भोपाल के नए बसेरा और पुराने भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया। खंडवा में तो एक दिन में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। खंडवा में बारिश के चलते आशापुर के गर्ल्स हॉस्टल में फंसी लड़कियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने के चलते आशापुर में कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है। कई लोगों ने बचने के लिए मंदिर में शरण ली है। वहीं खंडवा और होशंगाबाद को जोड़ने वाले पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद है। खंडवा जिले में पिछले 24 घंटे में लगभग 200 mm बारिश हुई है। जिले में 1 जून से अब तक औसत बारिश का आंकड़ा 350 किलोमीटर है। पिछले वर्ष इस दौरान 370 mm बारिश हो चुकी थी। जिले की औसत बारिश 880 मिलीलीटर है। शाजापुर में बारिश आफत बन गई है। यहाँ कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कालापीपल में पानी ने खूब तबाही मचाई है। पानी कम होने के बाद विधायक कुणाल चौधरी ने इलाके का दौरा किया और साफ सफाई के काम में हाथ बटाया। हम लोग लगातार कल सुबह से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई उसमें जो भी बचाव कल कर सकते थे, रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके सभी लोगों तो सुरक्षित पहुंचाने से लेके लोगों की मदद करने से लेके गांव में घरों में उनकी सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करने के बाद आज सुबह से हम सब लोग लगे हुए। हमने यहाँ पे नगर पालिका, पंचायत का अमला, बाहर के कर्मचारियों सभी लोगों को लगा के कि कैसे पहले हम इन गाँव को साफ करें, इनमें सफाई की व्यवस्था करें, डॉक्टर की व्यवस्था करी, यहाँ पे दवाइयाँ डलवाई ताकि कोई महामारी इस तरह से नहीं फैले कि कभी कई बार बाढ़ के बाद महामारियों की स्थिति आ जाती है। तो उस रूप में हमने हर जो व्यवस्था कर सकते हैं, सुबह से खाने के पैकेट सभी लोगों तक पहुंचाए, सुबह नाश्ते के लिए पोहे चाय की व्यवस्था, हर चीज जो व्यवस्थित व्यवस्था कर सकते थे उसकी एक कोशिश करी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से सागर व जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थान पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इधर मौसम विभाग ने 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें से कुछ जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, गुना, उज्जैन, छिंदवाड़ा, हरदा, राजगढ़, नीमच, रतलाम, अशोकनगर, आगर, शोएपुर कला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, विदिशा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर और सिवनी शामिल है। इधर भोपाल का मौसम खुशनुमा हो गया है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 24 घंटे में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बालोद बाजार के तिल्दा में लगातार बारिश से 3 मकान गिर गए हैं। 4 महीने पहले ही करोड़ों की लागत से बने अंडरब्रिज में पानी भर गया है। तेज बारिश से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का सबसे ज्यादा बस्तर में देखने को मिला है असर। बस्तर के तमाम इलाकों को संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग ने बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया है।
एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर रायगढ़, जांजगीर, बालौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के मूसलाधार बारिश हुई, इसमें बस्तर संभाग जलमग्न है तो सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है। यह राहत की बारिश है क्योंकि अभी तक किसान, सरकार और मौसम विभाग की निगाहें आसमान की ओर थी कि कब मेहरबानी होगी। सोमवार को हुई बारिश से बस्तर में इंद्रावती खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। पुराना पुल डूब गया है। बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में 24 घंटे में इतनी अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। बस्तर अंचल में बीते 36 घंटे से हो रही बारिश के कारण इंद्रावती समेत सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर है। राजधानी से जगदलपुर का तो बीजापुर जिले का पड़ोसी राज्य तेलंगाना व महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया है। बीजापुर जिले के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला तथा ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परचनपाल के समीप रायकेरा नाले का पानी सड़क पर आ जाने के कारण आवागमन बंद है। बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात के चलते संभाग आयुक्त अमृत खलको ने स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया है। विश्व बाघ दिवस के मौके पर देश को बाघों को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बाघों को लेकर कराई गई गणना से जुड़ी रिपोर्ट जारी की और इसके अनुसार देश में अब 3000 बाघ हैं। बाघों की जनगणना का काम वर्ष 2018 से ही चल रहा था जो हाल ही में पूरा हुआ है। विश्व बाघ दिवस पर रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम अपने बाघों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। बाघ गणना के आंकड़े हर भारतीय को खुश करने के लिए काफी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में तय किया गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी की जाएगी, लेकिन हमने यह टारगेट 4 साल में ही पूरा कर दिया है। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. The speed and dedication with which various stakeholders work to achieve this is remarkable. This is one of the finest example of Sankalp Se Siddhi. Once the people of India decide to do something, there is no force that can prevent them from getting the desired results. देश में सबसे ज्यादा 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। विश्व बाघ दिवस पर जारी आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि मध्य प्रदेश में कई सारे बाघों की मौत के बाद भी एमपी में सबसे ज्यादा बाघ हैं। मध्य प्रदेश को एक बार फिर फर्स्ट टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 3000 बाघ हैं। इनमें सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। 524 बाघ के साथ कर्नाटक दूसरे और 442 बाघ के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश को मिले इस दर्जे से सभी बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व एरिया में बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की है और बाघों के उचित संरक्षण की बात कही है। मध्य प्रदेश अपने देश में एक ऐसा देश है जहाँ हमारी इतनी बायोडाइवर्सिटी है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम और मजबूती से हमारे जो कार्यक्रम है टाइगर्स की आबादी बढ़ाने का, इसमें हम जुटे हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार को राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में हुए गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने टंडन को राज्यपाल के रूप में शपथ दिलवाई। टंडन मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल होंगे। लालजी टंडन शनिवार को भोपाल पहुंच गए थे। राजभवन में हुए समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ नेताओं तथा अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा संगठन के कई नेता भी मौजूद थे। मैं
लालजी टंडन ने आनंदीबेन पटेल की जगह ली है। इससे पहले टंडन बिहार के राज्यपाल थे, हाल ही में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जबलपुर में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं बारिश की वजह से बस्तर के तमाम गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। 3 दिन से हो रही झमाझम बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जगदलपुर के कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। जगदलपुर का गोरिया बरहन नाला पूरी तरह डूब चुका है। आसपास के इलाके पानी की चपेट में आ चुके हैं। कई गांव के ग्रामीण अपने गांव में ही फंसे हुए हैं। कई गाँव का संपर्क शहर से टूट चुका है। निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे और जमकर बस्तर में बारिश होगी। जगदलपुर में इंद्रावती नदी अपने पूरे उफान पर है। पुराना पुल भी पूरी तरह डूब चुका है। बाढ़ से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी से प्रशासन लगा हुआ है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, सरकार मिलावट खोरों और जमाखोरों को छोड़ेगी नहीं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग मध्य प्रदेश का भविष्य खराब करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, हमारी सरकार सभी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करवाएगी। बीजेपी सरकार में मिलावट की जांच के लिए 13,000 नमूने लिए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एमपी का भविष्य मिलावट खोर और जमाखोर लोग खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम कमलनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नकली मावा और दूध का कोई इस्तेमाल न करना पाए। ब्लॉक तहसील स्तर पर भी दूध से बनी सामग्री की जाँच हो रही है। पहले की सरकार में भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी, लेकिन किसी ने एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं कि आम जनता के बीच में असली और नकली की पहचान हो सके। उसी लिए तो नमूने लिए जा रहे हैं, उसी लिए तो कार्रवाई की जा रही है। अब इसी का तो जांच करना है, इसी का तो प्रस्तुत करना है कि असली और नकली कौन है। आप भी यही चाहते हो ना, असली दूध आपको मिले। मैं क्या कह रहा हूँ, यही असली दूध मिले, इसीलिए तो सैंपल बॉम्बे भेजने की बात करता हूँ। मैं खुद गया, 14 दिन में होते, मैंने कहा 4 दिन में करो, आपकी भावना के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। सिलावट ने कहा, जमाखोरों के लिए अब मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मिलावट के दूध से 2025 तक 87% लोग बीमार होने वाले हैं। उन्होंने कहा, अब केमिकल से पकने वाले फलों के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संविदा सपोर्ट स्टाफ संघ ने संविदा नियुक्तियों से हटाए जाने को लेकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने 10 साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अपनी सेवाएं दी हैं। उनका चयन NHM प्रक्रिया के तहत हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने मांगे न माने जाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
भोपाल में संविदा नियुक्तियों से हटाए जाने से नाराज संविदा सपोर्टर स्टाफ संघ ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संविदा सपोर्टर स्टाफ ने अरारा हिल्स स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ऑफिस पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति NHM में प्रक्रिया के तहत हुई थी, अब उनको हटाया जा रहा है। उन्होंने NHM में 10 साल अपनी सेवाएं दी हैं। कर्मचारियों ने बताया कि उनका वेतन भी घटा दिया गया है। इतने कम वेतन में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारे क्या है कि हम NHM के कर्मचारी थे, NHM से हम लोगों को बाहर कर दिया है गया है, और हमारी भर्ती जिला स्वास्थ्य समिति की चयन प्रक्रिया से हुई थी। 10 साल हमने NHM में सेवा दी, उसके बाद हमें हटा दिया गया है। वेतन भी घटा के हमारा 5500 रुपये कर दिया गया है, और इसलिए हम अपनी परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने आमजन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर से आम जनता अपनी समस्या दर्ज करा सकेगी। PC शर्मा ने अपनी व्यस्तताओं के चलते लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगा। इस नंबर पर हर किस्म की शिकायतें लेकर संबंधित विभाग को भेजी जाएंगी। PC शर्मा ने बताया कि जनसमस्या के निदान के लिए कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं की मदद लेगी। ये टोल फ्री नंबर 8982464232 ये काफी पहले में जारी किया है, जिससे जो भी समस्याएं लोगों की, सभी तरह की समस्याओं वो उस नंबर पे लोग उस समस्या को बता देते हैं, और उसको तुरंत हमारे यहाँ का स्टाफ उस कंसर्न्ड विभाग को वो भेज देता है, और फिर उनको ये भी कहा गया कि इसमें क्या हुआ, आपने क्या एक्शन लिया और क्या उसकी पोजीशन है, वो भी अपडेट करते हैं। इससे लोगों की परेशानियाँ काफ़ी दूर हो रही कि वो अपने घर से ही अपनी समस्या को भेज देते हैं, और जो हमारी टीम है जैसे नगर निगम का है या नजूल का है, वहाँ उस चीज़ को करती है और फिर उसको अपडेट लेती है, और अपडेट उसको वापस भी उस नंबर पर करती है जो कॉल करता है। इंदौर में पदस्थ रही CSP प्रभा चौहान को उनकी बहू ने जमकर पीटा। प्रभा की बहू भी इंदौर में ही पुलिस अधिकारी हैं। MY अस्पताल में मेडिकल के दौरान प्रभा चौहान खूब रोई। इंदौर में करीब 2 वर्ष पहले कोतवाली CSP रही प्रभा चौहान घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। प्रभा चौहान देर रात MY अस्पताल मेडिकल के लिए पहुंची। प्रभा का आरोप है कि उनकी बहू, उसकी बहन और मां ने उसके साथ मारपीट की है। पूर्व CSP हाथ, पैर और मुंह पर चोट आई है। प्रभा की जिस बहू पर मारपीट का आरोप लगाया है वो इंदौर के बाणगंगा थाने में पदस्थ है। MY अस्पताल आई प्रभा चौहान इतनी डरी हुई थी कि वह भी रोती रही। पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की नजर है। मेरी बहू ने दरवाजा खटखटाया, मेरे पति ने दरवाजा खोला तो उसकी माँ ने आके मेरे को उठाया कि आप उठो, तो मैं उठ के बैठ गई। तो जैसे ही मैं उठी तो मेरी बहू आके मेरे से बोलती है, हरामजादी तूने मेरी है ना जिंदगी खराब कर दी, तो मैं तेरे को देखती हूँ। और उसने मेरे को लात मूंछों से मारना चालू कर दिया, उसकी माँ और बहन दोनों, तीनों बहन ने, और उसके बाद है ना ये काटना चालू कर दिया। मैं उसके बाद जैसे तैसे बच के मैं बाहर आई, डायल 100 को फोन करा, मेरी बेटी अंदर रूम में थी, प्रेगनेंसी में थी, वो प्रेगनेंट है, तो उसको जाके है ना उसकी छोटी बहन और मेरी बहू ने खूब मारा। एक तरफ नक्सलवादी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं तो दूसरी तरफ नक्सलवादियों से मुठभेड़ जारी है। पिछले 2 दिनों में हुए एनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं और नक्सलियों का सामान भी, हथियार बरामद जब्त किए गए हैं। सोमवार को शहीदी सप्ताह के दूसरे दिन पुलिस ने 2 नक्सलियों को मारने में सफलता हासिल की है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कोंटा इलाके में जंगल में पुलिस के साथ कुछ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। सर्चिंग अभियान पर निकले पुलिस जवानों पर अब नक्सलियों ने गोलीबारी की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मारने से पहले
रविवार को करीब 14 नक्सलियों ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था, जिसे नक्सलियों का बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद आज पुलिस ने दो नक्सलियों को मारकर दूसरा बड़ा झटका दे दिया है। इससे पहले तिरिया माशकोट के जंगलों में ओडिशा सीमा में हुई मुठभेड़ में भी नक्सली मारे गए। यहां से बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य और नक्सलियों का ऑपरेशन प्लान मिला है। हरपालपुर में पुरानी रंजिश के चलते कृषि विकास अधिकारी राकेश निरंजन ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और एक को गोली मार दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राकेश निरंजन ने मृतक की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़ित पक्ष ने कहा कि इस मामले में एक कांग्रेस विधायक आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं। छतरपुर के हरपालपुर में कृषि विकास अधिकारी राकेश निरंजन ने एक पिता पुत्र को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। इस घटना में पुत्र धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि पिता को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आरोपी राकेश निरंजन नौगांव में पदस्थ हैं। पीड़ित पक्ष ने इस हत्याकांड में कांग्रेस के महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित पर राजनैतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया है। रविवार की रात आरोपी राकेश निरंजन ने पुराने विवाद को लेकर धर्मेंद्र और उसके पिता मूलचंद्र को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी, जिससे धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। 6 महीने पहले हुआ था, भाभी किराए से रहती थी, वहाँ से गया था राकेश निरंजन। तो इन लोगों ने पैसे की धमकी दे के दुनिया भर के, तो हम लोगों से राजीनामा करवा लिया। हम लोग उतर ठीक है, और पहले गए थे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, तो हम लोग रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और फिर कल ये आया अचानक, हमारी बहनें अकेली थी, खेलने छेड़छानी की, क्या किया क्या नहीं, बस बंदूक लाए, भाई को मार दी और पापा को मार दी। रिपोर्ट लेकर रही बहनें रात भर से बैठी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुई विधायक की वजह से। नीरज दीक्षित, कल रात में जब मेरा भैया घर आ रहा था तो बगल में राकेश निरंजन रहता है, उसने गाली दी और ऊपर से खींच के लेके आए भैया को, तो उसे नीचे लटाया और मारने लगे। इतने पापा दौड़ के आए बचाने के लिए, तो अंदर से उनके दो चार लोगों ने उन्हें पकड़ लिया दोनों लोगों को, और वो अंदर से अपनी बंदूक लेके आए और भैया के सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी डेथ हो गई, और पापा के शोल्डर में चोट लगी है, जिससे वो सीरियस हैं अभी। तो व्हाट्सएप और पेपरों के कारण जानकारी लगी कि मेरा पीए है और उनके ससुर है, ना मुझे ये जानकारी है कि इनकी पहले रिश्तेदारी थी, ना मुझे इस केस की जानकारी है पहले की। कल जो घटना घटी वो भी मैंने सुबह पेपर में पढ़ी, रात को मुझे कुछ जानकारी नहीं लगी है, और मैंने अभी सुबह जब पेपर में देखा, आप लोगों से बातचीत हुई, इससे पूरी घटना की हमें जानकारी लगी। मुझे पहले का कुछ पता नहीं है क्या इनका चलता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बिना हमारी जानकारी के कोई फोन नहीं लग रहा है, और गलत काम में हम कभी संग नहीं देते। मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपी राकेश ने कुछ महीने पहले मृतक की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस पर मृतक ने हरपालपुर थाने में शिकायत की थी, लेकिन आरोपी के ससुर कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के पिए हैं, जिससे पुलिस पर दबाव बनाकर आरोपी से राजीनामा करवा लिया गया था। इसी घटना को लेकर आरोपी ने धर्मेंद्र की हत्या कर दी। उस समय पुलिस कार्रवाई करती तो यह घटना नहीं होती। थाना हरपालपुर में रात्रि लगभग 9:30 बजे एक घटना घटित होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें आरोपी राकेश निरंजन नामक व्यक्ति है, जिसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया है, और उसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई है, और उसके पिता जो है वो घायल अवस्था में झांसी इलाज के लिए रेफर हुए हैं। प्रकरण उसमें रात्रि में ही जब ये घटना घटित हुई थी, प्रकरण कायम कर लिया गया है, और उनके पुत्र का जो जिनकी डेथ हुई है उसका पीएम करा के सौ भी रवाना कर दिया गया। ऐसी कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, ना जब से मैं पदस्थ हुआ हूँ तब का भी, थाने में भी पूछा है, थाने में इस तरह की कोई शिकायत करना नहीं पाया गया है। इतना ज़रूर बता रहे हैं कि छेड़खानी वाली कोई बात लास्ट विधानसभा चुनाव के समय हुई थी, और उसमें आपस में लोगों ने बैठ के राजीनामा कर लिया था, पर थाने में कोई शिकायत करने की जानकारी नहीं। सोशल मीडिया पर सिख गुरुओं की पवित्र वाणी का गलत राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने से सिख समुदाय नाराज है। सिखों का आरोप है कि गलत तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। जबलपुर में कमलनाथ सरकार के विरोध में सिख समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री कमलनाथ के लिए उपयोग करने पर जबलपुर सिख समाज ने तीखा विरोध दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर सिख गुरुओं की पवित्र वाणी का इस्तेमाल किए जाने और फोटो से छेड़छाड़ करने पर सिखों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिखों का आरोप है कि ऐसा करने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के विरोध में सिख समाज ने रांझी गुरुद्वारे से मौन जुलूस निकालकर विकाल मोड़ तक प्रदर्शन किया। सिखों ने सीएसपी
धर्मेश दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। राजनीति में हर चीज संभव नहीं। जिस प्रकार कमलनाथ जी ने अपने आप को महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तुलना करी अपने आप में, पूरा सिख समाज रोष में है। और गुरु गोविंद सिंह का जो बलिदान, ना उन्होंने राज लिया, ना इस जनता इस देश के लिए अपने परिवार को, बेटों को और सभी अपने पिता को माता को सबको बलिदान किया इस देश के हिंदुत्व के लिए। और उन्हीं की तुलना अगर कमलनाथ जी कर रहे हैं जो 100% गलत है, उसी के विरोध में जबलपुर के पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हुआ है। एक करीब 2-3 दिन पूर्व एक आपत्तिजनक टीम जो है वो फेसबुक पर पेस्ट की गई थी, जो सार्वजनिक रूप से पेस्ट थी और उसको काफ़ी लोगों ने 1.5-2 लाख लोगों तक वो सर्कुलेट किया। वो उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, ऐसा एक आरोप लगाते हुए ज्ञापन सिख समाज द्वारा आज सीएसपी महोदय को दिया गया है। और उससे मांग की गई कि जिसने भी ये पोस्ट डाली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसको पूर्व में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको साइबर को भेज दिया गया है और 1-2 दिन के अंदर इसकी जांच करके इसमें जो भी कार्रवाई होगी। सिख यूथ एसोसिएशन ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक संचालकों पर साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि फेसबुक अकाउंट पर बदलता मध्य प्रदेश और जय जय कमलनाथ नाम से बने अकाउंट में गुरु गोविंद सिंह की इन पंक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है, जो सिख समाज को नागवारा गुजरा है। सिंधी समाज ने महाराष्ट्र में हितेश मूलचंदानी की निर्मम हत्या के विरोध में भोपाल के शहीद गेट पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। सिंधी समाज ने पुणे के पुलिस कमिश्नर को पोस्ट कार्ड लिखकर हत्यारों को कोर्ट में जल्द पेश कर फांसी की सजा दिलवाए जाने की मांग की है। पूरी पुणे में हितेश मूलचंदानी की निर्मम हत्या के विरोध में भोपाल सिंधी समाज ने शहीद गेट ईदगाह हिल्स पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने वारदात की जानकारी देते हुए कहा कि हितेश मूलचंदानी निर्दोष एवं सभ्य परिवार से थे, लेकिन हत्यारों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से महाराष्ट्र की ही नहीं संपूर्ण भारत वर्ष के सिंधी समाज में रोष व्याप्त है। पुणे में महाराष्ट्र की घटना के विरोध में जो हमारे सिंधी समाज के भाई हितेश मूलचंदानी की मर्मम हत्या की गई, उसका विरोध उसका गुस्सा प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। सिंधी समाज के सभी युवा साथी सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हुए थे। हमने यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकालकर गुस्सा अपना विरोध प्रकट किया और हम कानून से मांग करते हैं, हम कमिश्नर से मांग करते हैं कि तुरंत तुरंत तत्काल से तत्काल फांसी की सजा दिलाकर उसको हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाए। सिंधी समाज ने पुलिस कमिश्नर पुणे को पोस्ट कार्ड लिखकर हत्यारों को कोर्ट में जल्द से जल्द पेश कर फांसी की सजा सुनाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर ईदगाह सिंधी पंचायत ने 2 मिनट का मौन रखकर हितेश की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पुणे में जो घटना हुई है, हितेश मूलचंदानी की जो निर्मम हत्या की गई है, उस उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ था। पूरा सिंधी समाज भोपाल का उद्वेलित है, क्योंकि अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं और न उनके चालान हुआ है। इतनी नशन हत्या में जहाँ पूरा महाराष्ट्र उद्वेलित है, पूरा पुणे उद्वेलित है, हम सब साथ हैं। हम सबको श्रद्धांजलि देने के लिए और महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुणे के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र शासन के पुलिस कमिश्नर DGP से मांग करने के लिए इकट्ठे हुए थे। हम उनको सबको पोस्ट कार्ड लिखेंगे, चिट्ठियाँ लिखेंगे और उनका अनुरोध करेंगे कि हत्यारों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी चालान प्रस्तुत करके उनको फांसी जाए। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो वायरल की डिस्कवरी के बेहद चर्चित कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इस शो में मोदी का एक नया अवतार देखने को मिलेगा। यह पहला मौका है जब देश का कोई प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में शरीक हुआ है। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेयर ग्रिल्स के साथ कुछ एडवेंचर करते नजर आए। प्रधानमंत्री घने जंगल में इस अनूठे सफर पर डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड में एकदम अलग अंदाज में दिखे। एंकर वेयर ग्रिल्स ने कहा कि दुनिया के 180 देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनदेखा अंदाज देखने को मिलेगा, जिसमें वे मेरे साथ भारत के जंगली इलाके में गए और पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर बात की। Not just democracy. Welcome to India. Watch this dynamic duo. मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। On an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive.
Man vs. Wild. Watch Bear Grylls and Prime Minister Modi. Premieres 12th August, Monday night at 9. प्रधानमंत्री मोदी का यह एपिसोड 12 अगस्त को रात 9 बजे प्रसारित होगा। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें प्रधानमंत्री वेयर ग्रिल्स का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी वेयर से कहते हैं कि मैं आपके लिए इसको अपने साथ रखूंगा, जिसके जवाब में वेयर ग्रिल्स कहते हैं कि आप भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको सुरक्षित रखना मेरा काम है। पूरे कार्यक्रम में पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं